नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति की उठापटक, जनता पर क्या प्रतिक्रिया होती है। 2024 चुनाव आने वाले हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता ने पूरी तरह नीतीश कुमार को जहां पलटू राम कहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा कि बीजेपी का एक मिशन फेल हो गया, क्योंकि बीजेपी चाहती थी झारखंड की तरह शिव सोरेन को गिरफ्तार करना और अपना अधिपत जमाना, वो नाकामयाब हुआ। तो जनता की प्रतिक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। हमारे रिपोर्टर निशित कुमार जब दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर जाकर जनता से उनके विचार लेने का प्रयास किया, तो देखिए, बिहार में फ्लोर टेस्ट में भले एनडीए को बढ़त मिली, सबसे बड़ी बात ही 130 पार की बात कही जा रही थी और 130 हुआ। ये अलग बात है, हमने फ्लोर टेस्ट दो दिन पहले ही कहा था कि नीलम देवी और चेतन आनंद, ये दो राष्ट्रीय जनता दल के ऐसे विधायक हैं जो कि वो जदयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ अच्छे संबंध थे, क्योंकि आनंद मोहन को लालू प्रसाद यादव ने दरवाज़ा बंद कर दिया था, तो ये गुस्साए हुए थे। उसके बाद अनंत सिंह का भी, जो ललन सिंह के साथ 36 का आंकड़ा था, वो लोकसभा को टिकट को लेकर के शांत हो गया। इसका मतलब दोनों के समन्वय के बाद, और यही हुआ, तीन विधायक आरजेडी के सीधा सत्ता पक्ष में बैठ गए, 130। लेकिन दरभंगा की जनता ये कह रही है कि राजनीति का अविनाश हो गया है। राजनीति में कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो जिधर चाहता जब चाहता चले जाता है। जब बड़े नेता चले जाएंगे तो छोटे नेताओं का क्या हाल होगा। देखिए निशित कुमार की एक रिपोर्ट दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों से। तो कुछ है जो उलट कर दिए, इधर से उधर उधर से उधर किए हैं। अब इसमें तो असहमत पड़ा हुआ है कि फिर आगे चल के क्या होगा। माझी जी चले गए उधर, कहाँ भाग गए, नहीं भाग गए, इसके चलते इधर इनका सरकार बन गया। अब बन गया तो फिर बन गया, अब देखिए अब इलेक्शन के बाद क्या होता है। तो उधर चलेगा तो चलबे करेगा, जब कर लिया तो चलबे ना करेगा, अब लास्ट तक तो चलबे ना करेगा, अब उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। फिर एनडीए बहुत ही गलत और गंदा राजनीति कर रहा है। वो जो पार्ट अभी झारखंड में खेला था, वही पार्ट बिहार में भी होता, लेकिन नीतीश जी बहुत दूर की सोचते हैं, इसलिए बीजेपी को खेल खेलने नहीं दिए और बीजेपी को साथ लेके दौड़ पड़े। और अगर ऐसा नहीं करते तो सी वी सोरेन का तरह नीतीश जी भी आज जेल में होते। और ये फायदा जो बीजेपी लोकसभा के इलेक्शन के साथ असेंबली के इलेक्शन के लिए उठाने वाली थी, कहीं ना कहीं नीतीश जी ने उसको रोका है। तो ये एनडीए के लिए फायदे नहीं, बहुत दूर की बात में ये नुकसान की बात है। कभी कभी आदमी दो फीट पीछे हटकर आगे दौड़ता है, या कभी कभी हार में भी जीत होती है। जो विश्वास मिला है, इसलिए केंद्र का कुछ पैकेज मिलेगा और उससे विकास होगा। वैसे तो हम लोगों को अनुमान है जो मोदी जी विशेष राज्य का भी दर्जा दे देंगे। इंडिया गठबंधन तो साथे है, कांग्रेस उसे आउटे हो गया, अब उसको क्या वो सीट मिले। गठबंधन तो पूर्ण इस साल पास करेगी, आगे भी सरकार बनेगी इंडिया एनडी गठबंधन का टास होगा। भ्रष्टाचारी जो लालू जी का बेटा जो खा रहा था, जमीन लिखवा करके नौकरी दे रहा था, ये तो नीतीश थी जो 2 लाख टीचर को नौकरी हुआ और उसी में जो पैसा खाने का चक्कर में था, इसलिए तो इंडिया गठबंधन से लाइन टूटा। ठिकाना नहीं है कब गिरे नहीं गिरे, ये सब तो राजनीति पॉलिटिक्स बाज है, लेकिन ये सरकार का कोई ठिकाना नहीं है जो गिर भी सकता है। ठीक है, इसका कितना दिन तक चलेगा ये सुनिश्चित टाइम कौन बतला सकता है, ये सुनिश्चित टाइम कौन बतला सकता है जो कितने दिन चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन गिर सकता है। चुनाव का बाद क्या होगा, चुनाव का बाद कुछ दिन चलेगा, इसके बाद फिर वही हाल जो पहले से आता है, शुरू से अंत तक वही होते रहेगा। ऐसा थोड़े है जो इतना मजबूती होगा, इतना मजबूती जितना मजबूती होना चाहिए वो मजबूती नहीं दिख रहा हूँ। बिहार के अच्छे नेते हैं नीतीश जी, और उनकी राजनीति भी अच्छे हैं और अच्छे काम भी करते हैं और अच्छे चलेंगे भी। राजनीति रहेगी, अच्छा बहुमत मिलेगा उनको, कम से कम 10 साल तो चलेगा ही। और कई बार वो उल्टी पलटी किए हैं, उसका परिणाम बुरा भी हो सकता है, इलेक्शन तक फुट हो जाएगा, बार बार यही हो रहा है उनके साथ। मोदी कहेगा वो करेंगे, वो दूसरा दूसरे को बात नहीं करेंगे। वो तब गठबंधन को तोड़ करके बोला कि मैं मर जाऊंगा लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगा, फिर भी चला गया।
कई बार उलट पुलट किया है, इनका राजनीति क्या कहेगा? जनता बूझ रहा है कि तेलबदलू आदमी है, उसको समर्थक वोट नहीं देगा। समय में जो होगा वो लालू के समर्थन में वोट देगा, जो मोहम्मदन आजाद जो होगा तो निश्चित रूप से उसको वोट देगा, कस के वोट देगा। हाँ, वो जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा लालू यादव को, तेजस्वी को। वाला दिन अच्छा नहीं रहेगा, तो ऐसा गठबंधन हुआ कि एक तरफ डूबा दिया, दोनों तरफ डूब दिया, जो विकास था वो खत्म कर दिया। वो 17 साल 22 17 महीना था, उसको देखना नहीं चाहा, इसीलिए ऐसा बढ़िया नहीं रहा। गठबंधन बढ़िया थोड़ी रहेगा, कितना दिन रहेगा ये पलटू चाचा का, कई दिन पलटेगा, कई दिन रहेगा, इसका कोई गारंटी है? इसका कोई गारंटी नहीं। विकास पुरुष था तेजस्वी यादव, जो 17 महीना में किया, उसको देखा नहीं गया, नहीं तो ऐसा ही ऐसा जुलूम होना नहीं चाहिए बिहार में। 25 में लाप साफ हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अफरा तफरी का सरकार जो है ना, सही दिशा नहीं, ये सब जो है ना, सब नौटंगी कर रहा नीचा से ऊपर तक, क्या कहा जाए। ये राजपाट का सरकार है, हम लोग गरीब गुरबा है, आम जनता, हम लोग कुछ बोलेंगे तो हम लोग का जेल में बंद करवा सकता, न तो ये सब बुझिए एकदम गिरल पड़ल सरकार का नीचा स्तर का नीति नियम लगा रखा है। हम लोग डर से नहीं बोल रहे हैं, लाज से नहीं बोल रहे हैं, ऐसा सरकार नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये सब ध्वस्त हो जाएगा, एक जगह कोई टिकने वाला नहीं है, यह लोकसभा का चुनाव के चलते ऐसा हुआ है। हमारे हकीम हैं, कुछ उनसे